हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अपने पिछले वीडियो में मैंने आर्टिकल द और आ के बारे में जानकारी दिया। उसे बहुत लोगों ने पसंद भी किया, बहुत लोगों ने उसे सराहा। उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अपने वीडियो के पार्ट थर्ड में मैं इनडेफिनिट आर्टिकल का दूसरा भाग एन एन के प्रयोग को मैं बताऊंगा और आप लोगों को आज बताया जाएगा कि एन का प्रयोग कहाँ कहाँ उचित होता है और किस तरीके से हम एन का प्रयोग वाक्यों में करेंगे। तो आप देखें, द यूज ऑफ एन, एन को आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। इनडेफिनिट आर्टिकल के दो भाग थे, जिसमें आ और एन। जिसमें आ के बारे में आपको पार्ट सेकंड में बताया गया। अब आज एन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि एन का प्रयोग हम कहां करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताऊंगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल का सेकंड भाग एन, जिसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर निम्नलिखित वाक्यों में हम करेंगे। जैसा कि नंबर एक, वावेल्स से शुरू होने वाले शब्दों के पहले, अर्थात वावेल शब्द अर्थात ए ई आई ओ यू, जो इंग्लिश के अल्फाबेट के वावेल हैं, उनसे अगर किसी वर्ड की शुरुआत होती है तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। यह सर्वविदित है, लेकिन यहां स्पष्ट कर देना जरूरी है। पिछले भी वीडियो में आपको बताया गया था, जब ए के बारे में आपको जानकारी दी गई थी, कि शब्दों के पहले जब हम ए एन का प्रयोग करते हैं तो वहां यह जानना जरूरी होता है कि वहां कॉन्सोनेंट्स अक्षर अथवा वावेल अक्षर से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उनके साउंड से मतलब होता है, उनकी ध्वनि से मतलब होता है। जब कॉन्सोनेंट की ध्वनि किसी वर्ड में आएगी तो हम ए का प्रयोग करते हैं, और जब वावेल की ध्वनि आती है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इसी के तहत आपको बताया जा रहा है कि वावेल अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर कॉन्सोनेंट्स, अर्थात कॉन्सोनेंट जो अक्षर होते हैं इंग्लिश के, उनसे भी शुरू होने वाले शब्दों के पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। अभी आगे आपको बताया जाएगा किस तरह कैसे। इसी तरीके से नंबर तीन के रूप में कुछ एब्रीविएशंस होते हैं। एब्रीविएशंस का मतलब संक्षिप्त रूप, किसी शब्द का अर्थात किसी भी पद का अर्थात किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप, उसी का नाम है एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन कुछ ऐसे हैं जिनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स हैं जिनके बाद में हम ए अथवा एन जैसा उचित हो उनका प्रयोग करेंगे, उसको भी अंत में हम बताएंगे। तो नंबर चार के रूप में स्पेशल वर्ड्स ले लिया जाए। स्पेशल वर्ड्स, अब आपको क्रम के अनुसार पूरी जानकारी दी जा रही है, ध्यान से आप सुनेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम आपको बताया गया कि वावेल से शुरू होने वाले अर्थात वावेल अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एन ए पर, एन एस, एन ऑरेंज, तो आपको तीन उदाहरण यहां आपके सामने रखा गया, जिसमें एन एप्पल, एन आईएस, एन ऑरेंज। आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम जब एप्पल लिख रहे हैं तो इसका उच्चारण अर्थात इसका साउंड हिंदी के स्वर से हो रहा, एप्पल, एप्पल। तो एप्पल का जो पहला अक्षर है ए, वह हिंदी का स्वर है, तो इसका मतलब साउंड उसका स्वर से। इसी प्रकार आईएस, आयस का भी स्वर हिंदी के स्वर से,
अर्थात एस का जो साउंड है ध्वनि है वो भी वावल से है, स्वर से। इसी प्रकार ऑरेंज का भी आ से है, अर्थात वो भी स्वर से ही उसकी शुरुआत अर्थात ध्वनि है, इसलिए हम उसके पहले एन का प्रयोग किए। लेकिन पुनः स्पष्ट कर दिया जा रहा कि अगर वावल से शुरू होने वाले शब्दों की ध्वनि स्वर की नहीं होगी, अर्थात हिंदी के स्वर की नहीं होगी, आ से लेकर आ तक के किसी भी अक्षर की ध्वनि नहीं होगी, तो हम ए का ही प्रयोग करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। अब देखिए दूसरा उदाहरण कॉन्सोनेंट से, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कॉन्सोनेंट से भी शुरुआत होते हैं फिर भी हम एन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि ऑनेस्ट। ऑनेस्ट की शुरुआत एक कॉन्सोनेंट से हुई, अर्थात यच से हुआ, यच एक कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम इसका जब उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो लिखते हैं ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का जो पहला अक्षर आया आ है, तो आ का मतलब स्वर, हिंदी का स्वर। इसलिए आपको पहले ही बता दिया गया कि अक्षर से मतलब नहीं है बल्कि उसके ध्वनि से अर्थात साउंड से मतलब है, तो निश्चित रूप से हम यहां एन का ही प्रयोग करेंगे, एन ऑनेस्ट। इसी प्रकार एन एयर, एच ई आई आर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। अब यहां एच ई आई आर एयर, हेयर नहीं, एयर, एयर, एयर का मतलब पहला अक्षर ए आया अर्थात स्वर आया, हिंदी का स्वर, इसलिए एन एयर। इसी प्रकार एन ऑनरेबल, एन ऑनरेबल मैन, एन ऑनरेबल मैन, इस प्रकार इसका भी आ से उच्चारण हुआ, प्रोनाउंसिएशन हुआ, अर्थात उसके साउंड जो है वो स्वर का है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से स्पष्ट हो गया कि वर्ड की शुरुआत चाहे वावल से हो चाहे कॉन्सोनेंट से, अर्थात चाहे स्वर से हो चाहे व्यंजन से हो, जब उसकी ध्वनि अर्थात उसका साउंड है वावल का होगा स्वर का होगा, तो निश्चित रूप से हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर व्यंजन का साउंड होगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद तीसरा नंबर आया एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। तो संक्षिप्त रूप किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप, जैसा कि लिख दिया एम एल ए, एम एल ए। अब यहां पर हमको ए एन का प्रयोग करने के लिए कंपटीशन की परीक्षाओं में अर्थात किसी भी परीक्षा में दिया जाए तो यहां पर कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि एम जो है कॉन्सोनेंट अक्षर है तो इसका ए लगना चाहिए, लेकिन पहले उन्हें उसका उच्चारण करना चाहिए, उसके साउंड को देखना चाहिए, तब ए एन का चुनाव करना चाहिए कौन उचित होगा। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि जब आप लिखते हैं एम, एम एल ए, एम एल ए का मतलब जो ए अक्षर शुरू हुआ तो ए अक्षर स्वर है हिंदी का, तो यम भले ही अंग्रेजी का अर्थात इंग्लिश अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका जो उच्चारण है वह हिंदी के स्वर से है, इसलिए यहां पर उचित होगा एन एम एल ए। इसी प्रकार एन एम पी, इसी प्रकार एन एन सी सी, आप सभी का उच्चारण देखेंगे तो आपका उनका जो साउंड है ध्वनि है तो निश्चित रूप से वह स्वर से आएगा था, हिंदी के स्वर से आएगा, भले ही वो अंग्रेजी का पहला अक्षर उसका कॉन्सोनेंट है, या हम उसका उच्चारण करेंगे तो स्वर से उसका उच्चारण होगा एन सी सी, एन सी सी, तो ए आया हिंदी का ए स्वर, इसे का एम पी हिंदी का ए आया, एम एल ए हिंदी का ए आया अर्थात स्वर आया, इसलिए एन एम एल ए, एन एम पी, एन एन सी, एन सी सी, एन एफ ओ, यानी एसओ, इसी प्रकार तमाम शब्द जिनका उच्चारण स्वर से होगा उन एब्रीवेशन के आगे हम एन का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां स्पष्ट हो गया होगा कि कोई भी शब्द हो चाहे वह एब्रीवेशन वाले शब्द हो चाहे डायरेक्ट किसी वावल से शुरू होने वाले कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द हो, जब उनका उच्चारण स्वर से होगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे। अब कुछ स्पेशल वर्ड्स भी, स्पेशल वर्ड्स जिनके पीछे अर्थात बाद में हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं, यहां तो पढ़ाया जा रहा है आपको एन, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जहां ए भी का प्रयोग हो सकता है, इसलिए दोनों बताना उचित होगा। जैसे एक शब्द है हाफ, एच ए एल एफ,
हाफ मीन्स आधा होता। तो इंग्लिश ग्रामर में अर्थात अंग्रेजी व्याकरण में हाफ शब्द के बाद ए अथवा एन का प्रयोग होना उचित होता अथवा उचित माना जाता। जैसे लिखना हाफ आवर आधा घंटा, तो हाफ एन आवर। अब यहां एन इसलिए लगा क्योंकि आवर का उच्चारण आ से, यत से भले ही लेकिन आ स्वर है, तो हाफ एन आवर। इसी प्रकार एक उदाहरण देख लीजिए, हाफ अ मंथ, हाफ अ मंथ आधा महीना, तो मंथ का जो उच्चारण मां से हो रहा, मां का मां हिंदी का व्यंजन, इसलिए यहां अ लगा, तो हाफ के बाद अ लगा, यहां हाफ के बाद आयन लगा, इसका हाफ एन आवर हाफ अ मंथ। इस प्रकार हाफ शब्द के बाद आयन अथवा ए का प्रयोग उचित होता है। इसी प्रकार एक शब्द है सच, सच माने इस प्रकार, सच शब्द के बाद भी अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार ए अथवा आयन का प्रयोग उचित माना जाता है। अगर किसी भी वाक्य में हम सच का प्रयोग करेंगे तो हम ए अथवा आयन का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप कह दिया कि आई हैव सीन सच एम आई, आई हैव सीन सच एम आई, अब सच के बाद आ बोला था, आई हैव सीन सच अ मैन। अब ये सच शब्द के बाद अगर हम आ का प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य को गलत माना जाएगा ग्रामर के अनुसार। तो आप यहां देखें सच के तुरंत बाद आ का प्रयोग हुआ, आ का प्रयोग इसलिए हुआ ये वर्ड है जो अंतिम मैन लिखा, मैन, मैन का उच्चारण मां से होता है, मां व्यंजन है, इसलिए आ का प्रयोग हुआ। अब एक उदाहरण इसी का आयन का दे दिया जाए, इसी का उदाहरण दिया, आई हैव नॉट सीन सच एन इंटरेस्टिंग मैन। अब देखें सच के तुरंत बाद एन का प्रयोग हुआ, यहां सच के तुरंत बाद एन का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यहां इंटरेस्टिंग लिखा है, इंटरेस्टिंग का उच्चारण ई से हुआ अर्थात हिंदी के स्वर ई से हुआ, तो हम सच के तुरंत बाद एन का प्रयोग किए, तो आई हैव नॉट सीन सच एन इंटरेस्टिंग मैन। इस प्रकार सच के उपरांत ए अथवा एन का प्रयोग उचित माना जाता है अर्थात ग्रामर के अनुसार उचित होता है। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में जो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा, इसी प्रकार आपने सेकंड वीडियो में तथा पार्ट सेकंड में द यूज ऑफ ए अर्थात ए के बारे में देखा, और ये आज पार्ट थर्ड था इसका आर्टिकल का, उसमें आयन का प्रयोग आपको बताया गया। तो आपको निश्चित रूप से इसमें जानकारी मिली होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे, और आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।